नमस्कार किसान भाइयों, बहुत से किसानों के मेरे पास फोन आए और व्हाट्सएप मैसेज भी आए कि इस सीजन में वीएनआर मधुर का जो फल हार्वेस्ट हुआ है उसमें अधिकतम वेट क्या प्राप्त हुआ है। सो कल हमारे जगदलपुर फार्म पे वीएनआर रिसर्च फार्म पे सीताफल वीएनआर मधुर की हार्वेस्टिंग हुई है और हमारे पास फ्रूट भेजे गए एनालिसिस के लिए। मैं वो जानकारी आपके समक्ष साझा करना चाहता हूँ। वीएनआर मधुर आप जानते ही हैं कि ये काफी बड़ी साइज का फल है, ये इसकी मुख्य विशेषता है और इसके साथ ही साथ देखिए तो इसकी आंख की साइज भी बहुत बड़ी है। बीज कम, खाने योग्य के बाद ज्यादा, ये इसकी मुख्य विशेषता है। तो इसको हम आपके सामने वेट करके देखते हैं। पहले हम इस फल का वजन आपके सामने देखते हैं। ये फल जो है फोमनेट लगा हुआ है क्योंकि प्लांट में ये फोमनेट के साथ में ही बैगिंग की जाती है, तो इसलिए फोमनेट लगा हुआ है। और अभी आप देखेंगे तो इसको हमने वेइंग मशीन पे रखा है 1195 ग्राम, 1195 ग्राम्स और रफली यू कैन से 1200 ग्राम्स, 1200 ग्राम वजन का ये फल है। और जो इसकी मुख्य विशेषता है कि बड़े साइज के फल होने की इसमें क्षमता है वो आपके सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है। अभी दूसरे फल को भी देखते हैं। दूसरा फल जो हमारे पास में आया है, ये फल भी देखें तो ये करीब 874-875 ग्राम के आसपास है, तकरीबन 900 ग्राम के आसपास है। तो अगर वीएनआर मधुर की अच्छी तरीके से प्रबंध के साथ में खेती की जाए तो बड़े साइज के अच्छे फल आप प्राप्त कर सकते हैं जिनमें मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। ये फल देखिए तो अभी नवरात्र का सीजन शुरू होने जा रहा है, कल से नवरात्र का पहला दिन है और ये फल 350-400 रुपए किलो में आराम से बिकेंगे, क्योंकि जो भी लोग हैं वो त्योहारी सीजन में घर पे अच्छी से अच्छी चीजें ले जाना चाहते हैं, भले ही उसमें थोड़ी सी कीमत ज्यादा देनी पड़े लेकिन वो अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ में अच्छी चीजों का उपयोग करना चाहते हैं। सो इस वीडियो से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वीएनआर मधुर के फल अगर अच्छी तरह से पैदा किए जाएं तो वो काफी बड़े साइज के भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको वीएनआर मधुर सीताफल के हैंड पॉलिनेशन से हुए परिणाम के बारे में जानकारी देता हूं। अभी अगर आप इस फल को देखें जो कल हार्वेस्ट हुआ है वीएनआर रिसर्च फार्म बस्तर में, तो ये जितने भी फल यहाँ रखे हुए हैं आप देखेंगे कि सब फलों का आकार बहुत अच्छा है। अगर आप इस फल को, जैसे एक फल मैंने उठाया, इस फल को देखें, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इस फल का आकार बहुत सुंदर है। ये आकार सुंदर करने में हैंड पॉलिनेशन की जो तकनीक है, हस्त परागण की जो तकनीक है, वो काफ़ी हद तक कारगर है। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत करें, इतना प्रयास करें और उसके बाद भी हमें हो सकता है अच्छा आकार का फल ना मिले, तो इस धारणा को हम यहाँ पर साबित करने जा रहे हैं कि ऐसी धारणा आप अपने यहाँ से दूर करें और अगर हैंड पॉलिनेशन का प्रयास करते हैं तो आपको अच्छी क्वांटिटी के, अच्छी क्वालिटी के और अच्छे शेप के फल प्राप्त होंगे जिसका बाजार में आकर्षण की वजह से बहुत अच्छा मूल्य रहेगा। हस्त परागण की वजह से फल की साइज पे भी फर्क पड़ता है, फल के आकार के साथ साथ साइज पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि परागण अच्छी प्रक्रिया, अच्छी तरह से अगर की जाने वाली प्रक्रिया होगी तो उससे फल का साइज भी बड़ा होना आप देख पाएंगे। यहाँ पर और भी अन्य फ्रूट्स को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये फ्रूट अगर आप देखें, ठीक है, ये भी देखिए हस्त परागण के द्वारा किया गया फल है, पैदा किया गया फल है और इसका भी बहुत अच्छा आकार है। सो नई टेक्नोलॉजीज हमको आज जिस स्तर पे हम हैं फलों की खेती में उस स्तर से काफ़ी ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। अगर हम समय रहते इन तकनीकों का उपयोग प्रारंभ कर दें, भले ही छोटे पैमाने पे करें, एक पेड़ पे करें या 10 फल पे करें या एक लाइन में करें, ये निर्णय आपका रहेगा, बट नई तकनीकों का उपयोग जरूर करें और अपने स्तर पर उसको ट्राई करके उसमें सफल होने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।